नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जो है आपको और सारी जानकारियाँ मिल सकती है। इसके अंतर्गत देखेंगे द्रव्य संबंधी अवधारणा, जो कि जैन धर्म का प्रमुख बिंदु है। तो इसमें जो है द्रव्य दो भागों में बटा है, अस्तिकाय और अनिस्तिकाय। और अस्तिकाय को जो है यह दो भागों में बटा है, जीव और अजीव। फिर जीव जो है वह भी दो भागों में बट गया है, मुक्त जीव और बद्ध जीव। इसके बाद जो बद्ध जीव है, मुक्त जीव मतलब जो है जो कर्मुक्त आत्मा हो, और बद्ध जीव जो शरीर युक्त आत्माएं हो, उसे बद्ध जीव कहते हैं। तो मुक्त जीव तो मुक्ति हुआ। अब बद्ध जीव जो है वो दो भागों में बटा है, एक त्रस और दूसरा जो है अस्थावर। अब ये त्रस जो है वह चार भागों में बटा है। पहला है पंचेंद्रिय, इसमें जो है मनुष्य पशु पक्षी आदि आते हैं। दूसरा है चतुर इंद्रिय, इसमें भ्रमर आता है। तीसरा है त्रि इंद्रिय, इसमें जो है चींटी। उसके बाद है चौथा द्वि इंद्रिय, इसमें घोघा आता है। तो बद का जो है दो भाग, त्रस जिसमें कि एक त्रस और स्थावर, तो त्रस हो गया। अब स्थावर जो है यह भी दो भागों में बटा। तो स्थावर में जो है पहला पृथ्वी और दूसरा पाषाण। तो यह जीव का अवधारणा था। जीव दो भागों में बटा, मुक्त जीव बद्ध जीव, और बद्ध जीव जो है वह दो भागों में बटा, त्रस और स्थावर। त्रस चार भागों में बटा, पंचेंद्रिय चतुरेंद्रिय त्रिवेंद्रिय और द्विवेंद्रिय। और जो स्थावर था वो दो भागों में बटा, पृथ्वी और पाषाण। अब देखेंगे अजीव के बारे में। अब है अजीव। अजीव जो है वह चार भागों में बट गया, पहला पुद्गल, उसके बाद आकाश, धर्म, अधर्म। पुद्गल में जो है भौतिक तत्व आता, आकाश में शून्य, धर्म में जो है गतिशीलता और अधर्म जो है स्थिरता। इसके बाद जो है पुद्गल भी दो भागों में बटा है। तो पुद्गल है वह दो भागों में बटा, अणु और संघात। अणु जो होता है शुद्ध पुद्गल होता है, इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई तत्व मिला नहीं होता है। इसके बाद संघात जो है वह मिश्रित पुद्गल होता है, इसमें जो है कोई और भी तत्व मिला होता है। पुद्गल का जो दूसरा भाग है संघात, यानी कि मिश्रित पुद्गल, वह चार भागों में बटा, रस, स्पर्श, गंध, वर्ण। तो ये था जैन दर्शन का जो है द्रव्य संबंधी अवधारणा। धन्यवाद।